आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया मेरे प्यारे भांजे। सब ठीक है ना? ठीक है। खुश हो ना तुम? हाँ खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। वेलकम फरी। बहुत शुक्रिया। तैयार है सब? तैयार है बिल्कुल। हाँ भैया, हकान नहीं आया अब तक? नहीं आएगा वो, क्योंकि जो कंपनी के हिस्सेदार है मैंने सिर्फ उनका फोटोशूट रखवाया है। इस तरफ भी एक कोरियोग्राफी बनाते हैं, आप इधर बैठे। यार मैं क्या करूं बताओ, मुझे भी, मैं भी ऐसी खड़ा। बुलुद बिल्कुल सीधे रहना, हिलना मत। ठीक है, बहुत खूब, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही रहिएगा, बिल्कुल मत हिलिएगा। प्लीज स्माइल। रुक जाओ एक मिनट, ये फोटोशूट नहीं हो सकता, पहले मैं खिंचवाऊंगा। करीब करीब हो जाए, मुस्कुराए थोड़ा, दांत नजर आने चाहिए, खींच रहा हूँ। इस खानदान का हिस्सा होने पे मुझे अपने आप पर फिर आप लोगों पर फखर है। लेट होने वाला था लेकिन मेरी एक बहुत ही पसंदीदा खूबी है, पता है क्या है? हर जगह हर वक्त बिल्कुल वक्त पे पहुंचता हूँ। हाँ माफी चाहता हूँ, आपको भी इंतजार कराया। किस तरफ जाऊं मैं? प्लीज मैं जहमत के लिए माफी चाहती हूँ आपसे। हाँ कान सर, इधर आना। क्या हुआ मेरी जान? बाद में सोच के मैंने फैसला किया कि इस फोटो शूट में कंपनी के असल हिस्सेदार होने चाहिए ताकि कोई एतराज ना करे, यानी किसी को कोई उलझन ना हो, समझ रहे हो? कैसी उलझन? शोहर हूँ मैं तुम्हारा, तुम्हारा मेरा होगा क्या? अब अपनी हद में रहो, क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? ऐसा लग रहा है कि आप लोग आपस में अभी तक इस मसले को हल नहीं कर पाए हैं। मैं आप लोगों का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे और भी काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। फरीद, मैं भी जा रहा हूं। भाई आज तो बेहतरीन फोटोशूट हुआ है पूरी फैमिली का, अब मुझे भी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आसान काम कर रही हो। आसान है तो आपको भी करना पड़ेगा फरीद साहब। और ये कहाँ से निकाल लिया आपने? मेरे ख्याल से ये अच्छा लगेगा इधर। बहुत अच्छा, चलता भी है क्या या फिर सिर्फ शो पीस है देखने के लिए? नाजली, क्या मैं किसी ऐसी चीज पे पैसे खर्च करूंगा जो इस्तेमाल में ना आती हो? कभी नहीं खर्च करेंगे। नाजली मेरे ख्याल से तुम्हें काम शाम छोड़ के कहीं और भी जाना है आज शायद। कहाँ जा रही हूँ मैं भला, चीजें समेट रही हूँ, काम करना है मुझे। 3 दिन में काम खत्म करने के चक्कर में खुद को परेशान कर रखा है तुमने। डिसाइडेड डेट पे हमने होटल खोलना है, मुझे काम करने दे प्लीज। काम करना तो सबका जरूरी है, तुम्हारा भी और मेरा भी, लेकिन आज रात नहीं। मैं तुमसे एक बात तय करना चाहता हूँ। फरीद साहब आपको क्या लगता है मैं आपके हाथ के बनाए हुए किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करूंगी? ये वैसा मुआहदा नहीं है, बस एक जबानी कमिटमेंट है। मुआहदा क्या है? आज रात एक दूसरे को नाराज नहीं करेंगे, कोई गुस्सा, कोई झगड़ा नहीं और कोई बहस नहीं। आज रात ऐसे सवाल भी नहीं होंगे जिनके जवाब ना हो। आज रात सब पीछे छोड़ देते हैं, लड़ाई झगड़ों को खत्म करते हैं। सिंपली आज रात हम सबसे दूर जा रहे हैं। बिल्कुल इसी चीज की जरूरत थी। तो फिर चले क्या, कहीं खुली हवा में चलते हैं, खुद को रिलैक्स करते हैं। नहीं पहले मुझे किचन में जाके देखना है। आज रात हम काम नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले आपने जो मुआहदा किया उसमें काम ना करने की कोई चीज नहीं थी। नहीं थी क्या? नहीं थी बिल्कुल, बहस नहीं करेंगे, सिर्फ ये बात थी उसमें और कुछ नहीं। लेकिन अगर वहाँ जाकर हमारे दरमियान कोई बहस ना हो तो सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे मुआहदे, अभी आती हूँ। मेरे ख्याल से किचन बहुत अच्छा बना है, इसमें कुछ चीजों की कमी है लेकिन वो हम आराम आराम से पूरी कर लेंगे, फिलहाल के लिए काम चल जाएगा। मेरे ख्याल से अगर यहाँ कोई नया काम करवाना है तो आज की शाम ये कहने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि तुम्हारे साथ बहस नहीं करूंगा और फौरन हाँ कर दूंगा। फिक्र मत करें, मैं मुआहदा नहीं तोड़ूंगी बिल्कुल भी, आखिर हमारा बजट मुश्तरका है, मतलब किचन की सारी चीजें मैं देखूंगी, इसलिए मुझे ज्यादा खर्चा नहीं करना। खैर वो सब बातें एक तरफ, आज शाम हम हिसाब किताब और बजट को एक तरफ रखते हैं। अगर आज हम बाहर नहीं जा रहे तो कुछ नया बनाना सीखते हैं।
क्या ख्याल है तुम्हारा? एक मिनट, हम साथ खाना बनाएंगे, मतलब आप मेरी मदद करेंगे? अगर मदद की जरूरत हो तो मैं इधर ही हूँ शेफ। वैसे सच पूछे तो आप बावर्ची खाने के लिए कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, आप बहुत जगह घेरते हैं, लेकिन आज शाम गुजारा कर लूंगी। इधर उधर कुछ चीजें पड़ी हैं, देख लेते हैं, आप मेरी हेल्प करवा दें। ऐसे सही है क्या? सही है सही है, इतना बुरा भी नहीं है, आप ठीक कर रहे हैं मेरे ख्याल से। खैर, अब अगला काम क्या है? अब आलू को पैन में डाल के अच्छे से फ्राई कर लें। अच्छा, लेकिन ध्यान से, कहा था ना आपका हाथ तो नहीं जला। जला है, लेकिन खैर है, ठीक हो जाएगा ये। क्या मतलब है ठीक हो जाएगा? नाजली किचन में अपने मददगारों को जलाती नहीं है। नाजली, कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं है, सूज जाएगा, पानी भर जाएगा। नाजली, जरूरत नहीं है, तुम परेशान मत हो। क्या मतलब है जरूरत नहीं है? उधर मरहम रखा है, मैं आपके हाथ पे लगा देती हूँ। नाजली, जरूरत नहीं है। ठीक है, हम अभी नहीं लगाते, लेकिन बाद में जरूर लगाएंगे। कम अज कम आज शाम का सबक तो सीख लिया होगा आपने। पहली बात, एक रेस्टोरेंट खरीदने से इंसान शेफ नहीं बन जाता। दूसरी, कि सब अपना अपना काम करेंगे। तीसरा, बाकी जो रह गया है वो मैं कर लूंगी। जाने दो, मुझ में दर्द आ रहा है तुम्हें। ठीक है, मान लेती हूँ, ऊपर से तो नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर से जख्मी होंगे। एप्रन पहन लिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऑमलेट तुम बनाओगी। अगर ऑमलेट बनेगा तो वो मैं ही बनाऊंगा। आहा, वो क्यों? आलू तलना कितना मुश्किल है वो देख लिया आपने, जला लिया खुद को। मुश्किल काम तो मैंने कर लिया है, कम से कम मेरे हाथ का बना तो खाओगी। एक मिनट, क्या है वो मुश्किल काम? असल में ऑमलेट का राज तो आलू को इस तरह की शक्ल में काटना है। आहा, ये तो मैंने स्कूल में सीखा था। स्कूल में सब कुछ तो नहीं सिखाते ना। जल गए लेकिन गुरूर नहीं गया। ये रेस्टोरेंट में पहला खाना है? हाँ, आपके हाथों का। कैसा बना है? अभी स्टार्टिंग के लिए इतना बुरा नहीं बना है। लेकिन तुमने सही से खाया नहीं। मुझे भूख नहीं है, इतनी खुश हूँ और पुरसुकून हूँ कि भूख उड़ गई है। वाकई खुश हो क्या? अगर आज का सोचूं तो, अभी की बात करें अगर, तो बहुत खुश हूँ, लेकिन जब मैं कल का सोचती हूँ तो। मत सोचो, मैं भी शुरू से यही चाहता था। आज की रात सोचते हैं, लम्हे जीते हैं, कल परसों का कुछ नहीं सोचते। सवाल नहीं करते, जवाब नहीं ढूंढते, छोड़ देते हैं खुद को। परेशानी हो या बोझ, सब छोड़ देते हैं। मैं भी यही चाहती हूं कि सब छोड़ दूं, कुछ रिलैक्स करूं। किसका इंतजार है तुम्हें? सही वक्त का, अच्छे वक्त का, थोड़ा और इंतजार। शायद ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। That each new step is somehow preordained. I've not traveled this way before. Rainbows in the sky seem forever, but we know by and by that they fade just like some dream passing by. Love seemed like that before. Since I've fallen, there's no doubt left in my heart. I've काश ये वक्त खत्म ना हो। क्या कहा तुमने? एक विश है बस। उम्मीद करता हूँ कि पूरी हो जाए।
No crystal set in eyes. Still alive in the night. Shining down upon our love as it takes flight. It just seems that with some passing luck we might find all that we've had before and some more. Now those cobwebs and rainbows, stars in the sky. बहुत शुक्रिया। अगला गाना आप लोगों की बेहद फरमाइश पर परफॉर्म किया जा रहा है। Susamış suların akışı gibi, çaresiz gözlerin bakışı gibi. Kapının ansızın çalışı gibi, akrebin ateşte yanışı gibi. Vazgeçip uzaktan senin yanında, kendime cevapsız soru sormuşum. Kaybolup giderken fırtınalarda, gönlümce bir ıssız ada bulmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. मेरे साथ डांस करोगी क्या? क्या आप सीरियस हैं? Güneşin gölgede kalışı gibi, uykunu düşlere dalışı gibi. Kalbimin nabzımda atışı gibi, bir yolun bir yere varışı gibi. Vazgeçip uzaktan senin yanında, kendime cevapsız soru sormuşum. Kaybolup giderken fırtınalarda, gönlümce bir ıssız ada bulmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden. अजीब लग रहा है, सब कस्टमर्स बैठे हुए हैं। फार्क एटमेडन, फार्क एटमेडन, फार्क एटमेडन, सेनिन ओलमुशुम। इसीलिए मुझे अब वहां पहुंचना होगा। डेनिस, काफी देर हो गई है हमें, तो हम क्या करें बुलू, क्यों ना हम भी चलें घर। हाँ अच्छी लगी, मैं हमेशा इधर ही खाना खाऊंगा। जब स्कूल से छुट्टी होगी तो मैं यहाँ से होके जाऊंगा। मुझे बहुत खुशी होगी प्यारे बुलूत, जब तुम्हारा दिल करे।
आपका बहुत शुक्रिया, फिर आइएगा। मेरी कोई मदद तो नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। नहीं फरीद, हम कर लेंगे बंद। मुआहदे के मुताबिक आपके जाने का वक्त हो गया है। अरे हाँ, मुझे अभी याद आया, हमारा मुआहदा। आप लोग काम करेंगे और मैं पैसे गिरूंगा। गुड नाइट। शब खैर। हेलो फरीद साहब, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया उमर। कुछ देर पहले कार्गो के जरिए आपके लिए एक पैकेट आया है, दरवाजे पे रखा है। इस वक्त आया है? जी हाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हाय थक गई यार, सब कस्टमर्स के जाने के बाद 2 घंटे लगते हैं रेस्टोरेंट बंद करने में। वाकई थकन हो जाती है। ये काम बहुत मुश्किल है फतोश, तुम्हें क्या लगा? मनामी नीचे का काम संभाल रही है, कह रही थी कि आप जाएं, सुबह मिलते हैं। क्या हुआ है, तुम परेशान लग रही हो? और ये थकावट नहीं लग रही, बताओ क्या हुआ? अभी सबसे मुश्किल काम करना है हमें। और वो क्या? मुझे तो लगा कि मुश्किल काम हो चुका है। फरीद को सब बताना। हाँ ठीक है ना, बता दोगी तुम? वैसे भी बहुत टाइम पड़ा है यार, अभी जो कुछ चल रहा है उसका मजा तो लेने दो ना यार। गुजरे हुए दिनों में मैंने काफी एंजॉय कर लिया है फतोश, अब सही वक्त आ गया है, मुझे सच्चाई का सामना करना है, आज नहीं तो कल। हाँ ठीक है, आराम से जाओ और आराम से आओ, घर पे मिलते हैं हम। खुदा हाफिज। तुम्हें कुछ दिखाना है मुझे। आसमान के फोन से ली गई कुछ तस्वीरें हैं ये। आज शाम कोई ये मेरे घर पर छोड़ के गया है, एक USB के साथ। मैंने मोबाइल में सेव कर ली। तैमित और हक्कान ने ये दस्तावेजात अदालत में पेश किए थे। ये तस्वीरें मेरे घर में खींची गई थी। जाहिर है कि आसुमान नहीं ली होंगी और उसने दैमित को दे दी। नाजली, सच बोलो, क्या तुम्हें इस बात का पता था? पता था।